हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चार बहुत ही सुंदर सी मोरी डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो इतना हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, तो अब हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, पूरे में हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। इसी के सामने दूसरी तरफ भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट पर इस तरह से 1 तिरछे में सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी तिरछे में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ये डिजाइन हमारी बहुत ही सुंदर सी बनने वाली है, तो आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। देखिए इतनी हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से गुलाई में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पूरे में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, तो वहीं पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह से लहर बना देंगे। तो हमने 1 लहर बना दी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी लहर बना देंगे। 2 पॉइंट पर हमें छोड़ के यहाँ पर लहर बना देनी है। तो इस तरह से हमारी देखिए मोरी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मोरी डिजाइन बनी है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरी मोरी की डिजाइन बनाएंगे। तो इतना हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। तो अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी के सामने दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे। फिर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। फिर हमें तिरछे में सिलाई लगानी है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई को लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। अब हम इसी में डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी तिरछी सिलाई 3 इंच की आ रही है। तो यहाँ पर बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर गुलाई में कुछ इस तरह से पत्ती बनाएंगे और बीच में हमें कुछ इस तरह से पत्ती बनानी है। यहाँ पर भी बीच सेंटर पर कुछ इस तरह से गुलाई में पत्ती बना देंगे और यहाँ पर एक इस तरह से पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में निशान लगा देना है। ठीक है, तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर गुलाई में पत्ती बना देंगे। ठीक है, इस तरह से, और बीच में हमें इस तरह से पत्ती बनानी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से तिरछे में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़कर फिर से तिरछे में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर पहले गुलाई में कुछ इस तरह से पत्ती बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सुंदर सी हमारी मोरी डिजाइन बनेगी। तो आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे और बीच में हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से 2 पॉइंट पर छोड़ के तिरछे में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़कर तिरछे में सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें 2 पॉइंट छोड़कर तिरछे में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से गुलाई में कुछ इस तरह से पत्ती बनाएंगे बीच में। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने 2 पत्ती को बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक बीच में पत्ती बनाएंगे कुछ इस तरह से डिजाइन में। तो हमने बीच में भी पत्ती बना दी है। अब हम यहाँ पर
इसमें इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिजाइन को बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पूरी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मोरी डिजाइन बनी है। अब हम यहाँ पर तीसरी मोरी की डिजाइन बना लेते हैं। तो इतना हमने पहले से ही तैयार करके रखा है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। पूरे में हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के सामने दूसरी तरफ भी 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लहर बनाकर हमें तिरछे में कुछ तरह से सिलाई लगानी है। तो पूरे में हम यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई को लगा लेते हैं। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा दिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर पत्ती बना देंगे और यहाँ पर हमें घुमाकर निशान लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कुछ तरह से घुमाकर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर कुछ तरह से सिलाई लगाएंगे और इस साइड में भी हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पर कुछ तरह से घुमाकर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कुछ तरह से पत्ती बना देंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से घुमाकर कुछ तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर पत्ती बना देंगे और यहाँ पर भी हमें घुमाकर कुछ तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिजाइन को बना लेना है। बहुत ही सिंपल और सुंदर सी हमारी मोरी डिजाइन बनने वाली है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इस तरह से हमारी मोरी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर चौथी मोरी की डिजाइन बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। तो अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे, तो 1/2 इंच पर हमें कुछ तरह से सीधी सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर एक दूसरी सीधी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में जो हमारा गैप है उसी में डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसी के सामने हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से हम तिरछे में कुछ तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। पूरे में हमें कुछ तरह से तिरछे में सिलाई को लगा लेना है। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ तरह से बीच में लहर बना लेंगे। पूरे में हमें लहर बना लेनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 1/2 इंच का गैप है वहाँ पर बड़ी बड़ी इस तरह से लहर बना लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लहर बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी मोरी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।